वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, वो वागन टिपलर से लेके आपको यार्ड तक कैसे रॉ मटेरियल ट्रांसफर होता है, और इंडस्ट्रियल में जैसे वागन आता है तो वागन टिपलर में कैसे खाली होता है, तो उसका बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो अभी एक कोल का वागन आया है, तो वागन टिपलर में दो चीज़ मेनली रहता है, एक है टिपलर और एक कार पोजिशनर। तो इसे कार पोजिशनर क्या करता है, जो वागन को खींच खींच के लाके आपका जो टिपलर है उसमें पोजिशन करके और खाली वाले को आगे हटा देता है। तो देखिए अभी जो भरा हुआ जो वागन है उसको ये प्लेस कर रहा है जो टिपलर का पोजिशन में। वागन टिपलर जो सिस्टम लगा है इसमें एक ही वागन, सिर्फ एक ही वन टाइम, सिर्फ एक ही वागन आपको पलटी होगा। तो जैसे ये शिफ्ट कर देगा उसके बाद जो चार ठो आर्म दिख रहा है हाइड्रोलिक, ये आपका जो वागन है उसको पकड़ लेगा और टोटल पूरा वागन लेके ये पलटी हो जाएगा। इस वागन ट्यूबलर में एट ए टाइम एक ही वागन पलटी होगा। कार पोजीशन अपना पोजीशन करके फिर जो खाली वागन है उसको लेके आगे जैसे चला जाएगा उसका बाद ये ट्रिपलिंग होगा। में हॉपर लगा रहता है, तो पहले तो हॉपर में माल कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नीचे एक स्कैपर कन्वेयर लगा है, उसी के थ्रू में जो मेन आर्मेचर का जो कन्वेयर है उसमें फिर माल गिरेगा। हॉपर है उसका नीचे में एक स्कैपर कन्वेयर चल रहा है, तो वो धीरे धीरे मटेरियल को जो कन्वेयर बेल्ट है उसमें ये माल को गिराएगा। जो भी है जो माइनस में होता है, क्योंकि आपका रेल का ट्रैक है उसके नीचे होता है, नीचे हॉपर होता है, तो थोड़ा 3-4 मीटर आपको
माइनस मीटर में होते हैं। अब जैसे कन्वेयर से ये लोग जो बड़ा साइज का कोल है या जो उसके कचरा आ रहा है उसको फिजिकली जितना हो पाए ऐसा उनको निकाल दे रहे हैं और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मटेरियल आगे यार्ड की तरफ जा रहे हैं। तो आगे में स्टैकर है, स्टैकर का रिक्लेमर है, चलिए उसको दिखाते हैं, उसको 3D एनिमेशन में उसको दिखाते हैं। स्टैकर कम रिक्लेमर, तो इससे माल जैसे आता है कन्वेयर से माल एक बार उसको हीप करते हैं और दोबारा जब जरूरत पड़ता है तो ये माल फिर वापस भी इससे आप वापस भी उसको ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।